अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब? खैर खैरियत से होंगे? ठीक ठाक, फिटफाट, मज़े में? और आप और आपके बर्ड्स सब जो है वो बेहतरीन नशों में पा रहे होंगे, और अल्लाह पाक की बरकतें आप सब लोगों को और आपके बर्ड्स को भी इंशाल्लाह ताला नसीब हो रही होंगी। सही है। तो ये इस वीडियो का कंटेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फ़ायदेमंद और हमारे लोगों के और आजकल के म्यूटेशन के ऊपर वर्किंग करते हुए लोगों के हवाले से जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका कंटेंट है, जो कि अक्सर सवाल जवाब हो रहे थे। रिसेंटली हमारी कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई, सही है, तो उसके अंदर काफ़ी एक्सपेंसिव म्यूटेशन के ऊपर वर्किंग करने वाले बर्ड्स शौकीन लोग, हॉबियर्स, फैंसियर्स, ठीक है, वो जो है इसके ऊपर वर्किंग की बात कर रहे थे। तो बेसिकली कंटेंट है क्रीमिनो एंड डेगिनो वर्किंग का बर्ड्स जितने भी हैं, सही है। तो फाइंडिंग्स यही हैं, जिस तरीके से नॉर्मली भी लोग, काफ़ी लोग इसके बारे में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और बता चुके हैं, लेकिन आज भी जो है वो कुछ लोगों के सवाल जवाब इस तरीके से होते हैं। ये आपके सामने एक अल्बाइनो नज़र आ रहा है और दूसरे उसके अंदर इट्स नॉट डेकिनो, इट्स पार्क ब्लू पेस्टेलिनो, सही है। तो पार्क ब्लू पेस्टेलिनो बर्ड बेसिकली बड़ा खूबसूरत बर्ड है, ठीक है, और एक पेयरिंग आपके सामने बिल्कुल मौजूद है जिसके अंदर आपको ये पता लग सकता है कि आप वर्किंग करते हुए क्रीमिनो और डेकिनो की वर्किंग में कौन कौन से बर्ड्स लगा सकते हैं। तो ये पेयर आपके सामने है, ठीक है, इसके अंदर पार्क ब्लू पेस्टेलिनो बर्ड है और अल्बाइनो रेड है इसका बर्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर की आपके पास फाइंडिंग हो सकती है, और आपको जो है वो अगर आपके नसीब अच्छे हुए तो ज़्यादा बर्ड्स भी आ सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास जो है वो एक ऐसी फाइंडिंग हुई, हमारे सेटअप में एक बर्ड हॉबियर और फैंसियर के वर्किंग करते हुए उनके पास पार्क ब्लू पेस्टेलिनो का बर्ड लगा हुआ था, उन्होंने इसके साथ जो है वो अल्बाइनो का बर्ड लगाया है, और माशाल्लाह पहले ही क्लच के अंदर उनके पास दो क्रीमिनो आए, ठीक है। तो ये खैर नसीब की बात भी है और दूसरी, लेकिन ये खैर एक तरीके से मैं आपको पेयर बता रहा हूँ कि क्रीमिनो और डेकिनो की वर्किंग, जिसके बारे में आजकल लोग काफ़ी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और लोगों ने अपने पास बड़े बड़े सेटअप भी लगाए हैं, तो उन्होंने कौन कौन से बर्ड्स अपने पास लगाए हुए होंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बर्ड्स तो नहीं, लेकिन कुछ बर्ड्स मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। इसी तरीके से आगे मजीद बर्ड ये है जो कि आपके सामने बैठा हुआ है, ये है पार्क ब्लू बर्ड और पार्क ब्लू स्प्लिटिनो है, यानी इनके पेरेंट्स में से कोई ना कोई एक मेल या फीमेल में अल्बाइनो रेडाइस होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर से हमारे पास ये पार्क ब्लू स्प्लिटिनो आया है। बेसिकली स्प्लिटिनो का मतलब किसी भी एक रेडाई बर्ड की जीन कैरी करता हुआ उसका बच्चा, ठीक है। तो रेडाई बर्ड के साथ जब हमने पार्क ब्लू लगाया होगा तो हमारे पास पार्क ब्लू स्प्लिटिनो आया होगा, और इसकी पेयरिंग जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि हम अगर अल्बाइनो रेडाइस के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्रीमिनो आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, और डेकिनो आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। और पार्क ब्लू पेस्टल बर्ड जितने भी हैं, पार्क ब्लू पाइट हो गए, या वो जितने भी स्प्लिटिनो कैटेगरी लेते हुए जा रहे हैं जिसके अंदर येलो फैक्टर ज़्यादा होता है, सही है, वहाँ से हमें डेकिनो और क्रीमिनो की फाइंडिंग ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। खैर आगे अगेन वही वाली बात के नसीब की बात है कि हमने कैसा बर्ड लगाया हुआ है और अल्लाह पाक ने आपके नसीब के अंदर क्या चीज़ रखी हुई है कि वो बर्ड आते ही नहीं आते, क्योंकि उसके अंदर से अगर आपके पास चार पांच बर्ड्स आ रहे हैं, ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि हर क्लच के अंदर क्रीमिनो या डेकिनो आ जाए, ठीक है। ऐसा भी हरगिज़ नहीं है कि एक चार बच्चों में से एक बच्चा कन्फर्म ज़रूर आना है, ये इट्स टोटली डिपेंड अपॉन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बर्ड, ठीक है, और आपका सबसे बड़ा ये कि आपका नसीब। तो इस पार्क ब्लू बर्ड की अगर आप पेयरिंग करते हैं अल्बाइनो के साथ, एज यूजुअल अल्बाइनो कॉमन बर्ड है सबके साथ चलने वाला, तो उसके साथ आपके पास डेकिनो भी आ सकते हैं और क्रीमिनो भी आ सकते हैं। तो मजीद बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इन बर्ड्स को दिखाते हैं, थोड़ी सी जरा दुश्वारी का सामना है मुझे, लेकिन ये पार्क ब्लू पेस्टेलिनो टू पार्क ब्लू पेस्टेलिनो का पेयर लगा हुआ है, और इसके अंदर की फाइंडिंग ऐसे ही है, बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इन बर्ड्स को भी अगर आप आपस के अंदर लगाएं, क्योंकि दोनों जो है वो स्प्लिटिनो जीन्स कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास इनमें से भी पार्क ब्लू पाइट भी आ सकते हैं, पार्क ब्लू पेस्टल भी आ सकते हैं, ठीक है, और पॉसिबली क्रीमिनो भी आ सकते हैं, ठीक है, पॉसिबली, लेकिन इसकी जीन जैसी कैरी हो रही है, सही है, वैसे उसके अंदर से बर्ड जो है वो आपके पास फाइंडिंग हो सकती है। जिस तरीके से आपको नॉर्मली पता है कि स्प्लिट बर्ड के अंदर से जो है वो रेडाई बर्ड बिल्कुल निकल सकता है, तो ये अगर रेडाई बर्ड इसके अंदर से निकालेगा तो उसके अंदर से भी क्रीमिनो आने के चांसेस आपके पास मौजूद है। तो व्यूअर्स, फाइनली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके पास जिस बर्ड की मैं बात कर रहा था और जो बर्ड की फाइंडिंग या जिसके ऊपर वर्किंग लोग कर रहे होते हैं क्रीमिनो, ये आपको अपनी स्क्रीन पर सामने नज़र आ रहा है, ये है क्रीमिनो बर्ड, सही है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने तो बड़ा खूबसूरत दिया है, पूरा येलो शेड के अंदर जो है वो बर्ड होता है और उसके साथ साथ रेड आई बर्ड होता है। तो ये बर्ड आपके पास
ये संबंध हासिल हो सकता है इन सब पेयरिंग के साथ। इसके अलावा बहुत सारी मुख्तलिफ पेयरिंग है, इनकार वीडियो बढ़ती चली जाएंगी सही, तो मजीद आपको मुख्तलिफ पेयरिंग के साथ हम आपको बता सकते हैं। उसमें क्रीमियो डेकिनो की पेयरिंग है, डेकिनो के साथ जो है वो आपकी अल्बाइनो एडेक्स के साथ लगाने के बाद की पेयरिंग है, ठीक है, क्रीमिनो के साथ अल्बाइनो लगाने की पेयरिंग है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली पेयरिंग है सही है। तो आपकी स्क्रीन के सामने आपके इस वक्त जो है वो आपको एक ग्रीन ऑफलाइन स्पीड ब्लू का बर्ड नज़र आ रहा है, आपको एक जो है वो पार्टी जो है वो स्पीडिनो का बर्ड नज़र आ रहा है और डेकिनो का बर्ड नज़र आ रहा है, तो वो डेकिनो सॉरी बोल रहा है क्रीमिनो। तो डेकिनो भी बेसिकली इसी कैरेक्टरिस्टिक का बर्ड होता है, पूरा येलो बर्ड होता है बट ब्लैक आई, सही है, डार्क आई कलर सही है, जो वो कलर चलाता है आपका सही है वो आपका जो है वो डेकिनो खिलाता है, ठीक है। तो उसकी जो है वो आई बिल्कुल सेम बर्ड होता है इसी तरीके से, लेकिन उसकी आई फैक्टर जो होता है, आई का कलर जो होता है वो आपका रेड की जगह पे ब्लैक होता है सही है। और बहुत खूबसूरत बर्ड है वो भी, करंटली अभी वो बर्ड थोड़ा सा ज़रा डिले हो गया, हमारे पास वो बर्ड जो है वो मौजूद नहीं है क्योंकि वो सारे ऑर्डर के बर्ड थे, ठीक है। और इसी तरीके से फर्दर पेयरिंग के अंदर जो है वो हासिल हुए थे हमें, तो वो मसाला से जो है वो जा चुके, तो ये वो बर्ड है जिसकी फाइटिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे और ये पूरी वीडियो का कंटेंट आपके सामने उस पेयरिंग्स के हवाले से मैंने आपके साथ शेयर किया। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं ऐसी ही किसी न्यू वीडियो के साथ या किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, या जो आप लोगों के सवाल जवाब हो रहे होते हैं, जब वो अक्सर लोगों के वो सवाल जवाब हो जाते हैं, सवाल आसान से शेयर हो जाते हैं, तो फिर इसके ही कॉन्टेंट सोचते हुए हम बट या वीडियो का कंटेंट समझ के सही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे ऐसे लोगों भी जिनके सवाल मौजूद हैं या उनके जहन के अंदर चीज़ें क्लियर नहीं है सही है, तो हम उनके साथ शेयर कर सकें। तो मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो के साथ, तो दुआओं में याद रखिएगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये कि वीडियो को हमारी वीडियो के साथ जुड़े बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से आगाही हो सके। मिलते हैं ऐसी किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।